ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਜੰਗਲੇ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਆਏ ਨੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੀ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਲਵਾ ਜੇ ਸਰ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤਾਇਜ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਰੇ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय चलो फौजी आदमी जनाब डोगरा प्रेसिडेंट रिटायर सीएपीएफ वॉरियर वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर यूटी। आज का जो हमारा सम्मेलन है ये हमारा एनुअल सम्मेलन है। इसमें हमारी जो सात फोर्सें हैं सीआरपी आईटीबीपी बीएसएफ सीआईएसएफ असम राइफल और ये सारी फोर्सें मिलकर के हम सभी आदमी जो हैं एक दिन मनाते हैं। इसमें हम जो वीर नारी हैं या विडोज़ हैं उनको सम्मानित करते हैं और हमारी जो मांगे हैं वो उनको बताते हैं। आज का जो हमारा एजेंडा है हम आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो श्री जुगल किशोर शर्मा जी मेंबर पार्लियामेंट हैं और श्यामलाल शर्मा जी हैं वो एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो आज हमारा ये जो मांगे हैं हमारी के 2004 के बाद के लोग जो हैं उनकी जो है पेंशन नहीं है, वन रैंक वन पेंशन अभी तक हमें नहीं मिली है, शहीद का दर्जा नहीं मिला है और कई मांगे हैं हमारी जो गवर्नमेंट के साथ डिस्कस है। आज तक 12 साल हो गया हमें ये लड़ते हुए लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक हमारी मांगे जो हैं वो उनको सॉल्व नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने काम कुछ नहीं किया, मोदी सरकार ने बहुत काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है उनके साथ उन्होंने कोई नाइंसाफ़ी रखी हुई है, वो हमारे साथ कोई काम मतलब हमारा कोई मदद नहीं की है आज तक। हम यही कहते हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार जो है बाकी काम दिलचस्पी से कर रही है उसी प्रकार सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ भी अच्छे बर्ताव करें और उनकी जो मांगे हैं उन पर गौर करें। जय हिंद।